हेलो गाइस, जय माता दी। और आप कैसे हो? और देखो, आज है सोमवार और आज है वट सावित्री का व्रत रहते हैं कई लोग, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। और लेकिन हमारा सोमवार का व्रत है तो हम पूजा वूजा कर लेते हैं। और देखो, सब सो रहे हैं और अभी टाइम है 6:30 और मंडे का दिन है, तो पहले बनाने रख जाती हूँ चाय, क्योंकि जब तक मेरी पूजा होगी तब तक चाय बनी रहेगी। और पानी खोल गया है और बनाते हैं चाय और फिर उधर जाएंगे हम पूजा करने। और देखो, अभी सब सो रहे हैं सब। अब मैं दिखा नहीं सकती, सो रहे हैं। और लाइट जला देती हूँ पूजा वाली की। और सबको वट सावित्री ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसके यहाँ होती हैं उनको हमेशा माता रानी खुश रखें, सबको खुश रखें, जो व्रत रखते हैं जो ना रखें उनको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ज़्यादातर यूपी में हमारी तरफ नहीं होता, हमारी तरफ तीजें ज़्यादा होती हैं। तीज माता का व्रत होता है और हमारे यहाँ व्रत भी नहीं होता तीज माता का। जैसे खाना वाना बना के हम खा लेते हैं दोपहर के टाइम। देखो, मैं लोहा बना लूंगी और गाय को दे के आते हैं लोहे हम। और मावस है आज, वैसे भी लोहे देने होते हैं गाय को। और गाय की सेवा करना तो बहुत पुण्य का काम होता है, और मावस वाले दिन तो। और देखो, मैं गाय को देने आई लोहा। और देखो, यहाँ दीदी के घर में है गाय, और एक दो गाय हैं, जैसे एक गाय है, एक बछिया है, एक बछड़ा है, और बहुत अच्छे से पालती हैं दीदी। देखो, पूरे दिन लगी रहती हैं, इनकी बहुत सेवा करती हैं, और हम लोग नहीं कर पाएंगे इतनी बस। और हमें लोहा देने आई थी, और बहुत सीधी गायें हैं, मारती भी नहीं हैं। और जैसे खरियाई में है, और देखो, मैं खरियाई में पूजा और घर को लोहा भी दिया आई, और हम पी लेते हैं हम चाय। और मैं पीती हूँ, देखो बज के 7:30 तक चाय पी रही हूँ, और फिर करेंगे काम। देखो, मैं काट दूंगी मुस्कान के बाल, और बहुत दिन से कह रही थी बाल काट दो चाची मेरे, और फिर मैंने बाल काटे इनके, और ज़्यादा नहीं काटे, हल्की सी वी शेप दी थी मैंने। और मैं काट लेती हूँ बालों को, जैसे स्टेप वगैरह दे देती हूँ मैं, तो मैंने ना बाल काट दिए थे। और देखो, बहुत थोड़े थोड़े ही काटे थे, ज़्यादा नहीं, और वी शेप दे दी, हल्की सी वी शेप दी थी। और आप देखना कैसे दी मैंने वी शेप। और घर में ही कर लेते हैं हम पार्लर का काम, थोड़ा थोड़ा आता है हम पे, थ्रेडिंग वगैरह भी कर लेते हैं हम लोग। और पूजा है, पूजा भी कर लेती हैं, तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाल भी मैं उनके ही काटती हूँ,
और आज मुस्कान के काट दिए। देखो वी शेप लग रही है ना, हल्की सी लग रही है क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं काटने थे, अगर ज़्यादा कटती तो ज़्यादा दिखती वी शेप। और कट गए बाल इनके भी, देखो बज रहे हैं 11, अब बना लेंगे हम व्रत का। और व्रत में सीखूंगी मैं चिप्स और खरबूजा, वो लिया है, वो काट लिया है मैंने, सॉरी। और क्योंकि खरबूजा देखो मैंने काट के रखा है, मुस्कान खा लेंगी जब तक दे दूंगी। और खरबूजा बना लेंगे, वो सॉरी क्या क्या बोल रही हूँ मैं, और चिप्स तल लेंगे हम। और मुस्कान व्रत है इसलिए चलो बच्चा भी खा लेगा साथ मेरे भी, क्योंकि बच्चों के संग ही बन जाता है कुछ, अकेली होती तो नहीं बनाती मैं। और चिप्स कर लेते हैं और खरबूजा दे दूंगी अभी। और आज है सोमवार का व्रत और देखो वट सावित्री का भी है व्रत, और हमारे यहाँ नहीं होता और इसलिए आज हम सोमवार का मेरा व्रत है तो सोमवार का व्रत भी हो गया। और हमने किस तरीके से मनाई वट सावित्री का, और हमने सिंपल तरीके से क्योंकि हमारे नहीं होती तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। और देखो मेरे बच्चे के सर में दर्द है, क्या है बता, क्या खाया बता, बता बता बच्चे क्या है बता। जय माता दी। और देखो कितना अच्छा मौसम हो गया और हमारे बन रही है खीर कचौड़ी किस किस को पसंद है, और आ जाना। और ऐसा अच्छा मौसम हो रहा है, देखो आप देख सकते हो, और बारिश में नहीं ले जा सकती मैं फोन को, लेकिन थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। और देखो कितना ऐसा लग रहा है, कितना टाइम हो रहा है मुस्कान, 5 बजे होंगे, और ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और देखो मैं भीग भी गई, और बहुत अच्छा, बहुत गर्मी पड़ रही थी और बारिश हो गई, और हम बनाएंगे खीर और कचौड़ी। और देखो मैंने अपनी ड्रेस बदल ली क्योंकि भैया गर्मी लगती है, टी शर्ट तो आदत पड़ जाती है हम लोगों को, टी शर्ट कंफर्टेबल लगती है, और सूट बदल लिया था मैंने, मुझे लगी गर्मी। और देखो मेरा मेरी खीर बन रही है, और खीर बन रही है, और बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी, खीर रायता नहीं बनाएंगे खीर के साथ, खीर और कचौड़ी और आलू की सब्जी। और आटा मैंने गून के रख दिया है, और अभी मुझे रसोई करनी है साफ। आटा देखो मैंने गून के रख दिया है, और जल्दी जल्दी बनाएंगे फिर खाना। और मुस्कान को लग रही होगी भूख क्योंकि आज है व्रत इनका, और नाश्ता कर लिया था इन्होंने थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा करा था नाश्ता, लेके गई वो तो कोई बात नहीं, बच्चों को लगती है। मैंने भी खा ली लीची, बीच में मैंने भी लीची खाई थी, और हमारे व्रत ऐसे ही हैं। और भैया चाची बेटी को तो भूख लगती है, और मुझे तो लगती है भाई मैं व्रत कम रह पाती हूँ, लेकिन हाँ रह लेती हूँ। और बनाते हैं खीर, चलो स्टार्टिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। और देखो हमारे चौक में कितनी तेज बारिश हो रही है, बाइक भी साफ हो गई, चलो अब बनाते हैं खाना। और देखो अब बना रही हूँ मैं खीर, और मैंने गलाने रख दिए थे चावल, और 1 किलो दूध की खीर बन रही है हमारे,
और ये कट करके बहुत कम हो जाएगी। और खीर हमेशा करके ही अच्छी बनती है। और इधर बना दूंगी आलू टमाटर की सब्जी। और इसे क्या दिखाना मुझे, आलू टमाटर की सब्जी डेली बनती है और इसमें मसाला भी इसी की पड़ता है। हाँ, और आलू की कचौड़ी बना दूंगी मैं और घिस के बनाऊंगी क्योंकि फिर ऑयल बढ़ जाता है। तो अब इसमें देखो हींग और धनिया, लाल मिर्च और सारी कुछ जैसे मिला देंगे, नमक वगैरह। और देखो मेरी बन गई खीर, देखो खीर बन गई मेरी यम्मी वाली। और दिखाती हूँ, और मेरी सब्जी भी बन गई, आटा भी गूंद गया और खीर और कचौड़ी बन गई। और अब लगाऊंगी मैं पोंछा क्योंकि मुस्कान ने देखो वहाँ का चौक पहुँच दिया था। अब मैं लगाऊंगी अंदर पोंछा क्योंकि धूल मिट्टी आ गई और बारिश आई थी और बंद हो गई अब। और देख लो हमारे शैतान बच्चे बैठे हैं, देख लो हमारा घर लग रहा है या कि साफ है। यहाँ पर सोफे वोफे देख लो सारे पड़े हुए। और देखो कह रहा है चाय का पेपकड़, बताओ किस किस का बच्चा चाय पीता है मुझे बताओ। चाय हर वक्त है, चाय वाले की दुकान पे बिठा दूंगी तुझे। चाय बना जी पापा, चाय वाले की दुकान पे बनाऊ। और देखो मेरे पति देव भी आ गए। अंकल जी भी आ गए। आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को। और अब बनाएंगे चाय और अब बना लेंगे अब कचौड़ियाँ। और शाम का टाइम हो गया है, 7:30 बज रहे हैं। मुस्कान खा लेंगी खाना। मुस्कान भूख लगाया हो खाना भी? और देखो मेरा बन गया खाना, मुस्कान लगाएंगे भोग। और देखो हमारी पूरी पूरी कचौड़ियां बन गई हैं। और मैं वीडियो का एंड करूंगी। और देखो मेरा दूध भी उबल गया और बच्चे खा रहे हैं, देखो खाना दिखाती हूँ मैं आपको। और वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।